आपको बता दें कि हाथरस जिले में यूपी पुलिस को शर्मसार कर देने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है। हाथरस जिले के थाना कोतवाली सादाबाद क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले पीएसी जवान ने जनपद गाजियाबाद में ट्रैफिक पुलिस में तैनात पुलिसकर्मी पर आरोप लगाया है कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया है। आरोपी ट्रैफिक पुलिस के सिपाही की करतूत ने यूपी पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा को लेकर किए जाने वाले तमाम दावों की पोल खोल कर रख दी है। वहीं इस पूरे मामले में नाबालिग किशोरी के परिजनों ने आरोपी सिपाही के खिलाफ थाना कोतवाली सादाबाद में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है। थाना पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए नाबालिग किशोरी को डॉक्टरी परीक्षण के लिए भेजते हुए आरोपी सिपाही की तलाश शुरू कर दी है। हाथरस पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ शंकर मीना ने इस पूरे मामले में जानकारी देते हुए बताया कि परिजनों की तहरीर पर थाना कोतवाली सादाबाद में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पीड़ित का डॉक्टरी परीक्षण कराया जा रहा है और आरोपी सिपाही की गिरफ्तारी भी जल्द कर ली जाएगी। पीड़ित किशोरी के पिता ने मामले में जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी सिपाही पड़ोसी है जो जनपद गाजियाबाद में ट्रैफिक पुलिस में तैनात है। आरोपी सिपाही ने मेरी बेटी को बहला फुसला कर अपने घर बुला लिया और उसको नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया, जिसकी शिकायत हमने थाना सादाबाद पुलिस से की है और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक आरोपी सिपाही की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हाथरस से नीरज चक्रपाणी की रिपोर्ट है। इसके कौन है ये और कहाँ रहते हैं? ये मेरा पड़ोसी है, मेरे घर की दीवार से दीवार लगी हुई है। पुलिस ने गाजियाबाद ट्रैफिक में है चल रहा है, इसने किया है ये दुष्कर्म। आप भी पुलिस वाले हैं? हाँ, मैं भी एसी हूं। और जिन पे आरोप है ये भी पुलिसकर्मी? कब का मामला है ये? मामला मार्च से लेकर के और लास्ट 31 जुलाई तो लगातार कई महीने एक जुलाई बहाने से बुलाया था इसको लड़की को? हाँ, बहाने से बुला करके कुछ में मिलाकर पानी बेटी बेटी कह के बुला लिया। आपको जानकारी कैसे हुई? बेटी ने अपनी माँ को बताया तब मुझे बुलाया, उसके बाद आपने मुकदमा दर्ज कराया। हाँ, पुलिस मदद कर रही है आपकी? पुलिस मदद कर रही है, संतुष्ट। जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है? अभी शायद गिरफ्तारी नहीं हुई, अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मदद कर लिया पुलिस ने जी। मुकदमा दर्ज कर लिया पुलिस ने? मुकदमा दर्ज हो गया। कल ही हमें FIR के लिए अपना प्रश्न पत्र दिया था, उन्होंने कार्रवाई करके हम संतुष्ट। कल थाना सादाबाद पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें एक नाबालिग लड़की के साथ वारदात हुई है। मुकदमा पंजीकृत किया चुका है, चिकित्सा परीक्षण कराया जा चुका है, विवेचना की जा रही है, शीघ्र अभियुक्त की जाएगी। सर, बताया जाता आरोपी पुलिस का नहीं है, तो क्या उसकी गिरफ्तारी जल्द होगी या लाभ मिल रहा है? नहीं, इस तरह कोई नहीं, जो भी आरोपी उसकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी, उसमें कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी।